लापता पनडुब्बी में फंसे 5 अरबपतियों ने गवाई जान। सर्च ऑपरेशन का समय भी खत्म होने को आया, लेकिन पनडुब्बी में गए लोगों का कोई भी समाचार न मिला। तो क्या उनकी मौत हो गई? आइए जानते हैं। अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई पनडुब्बी का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। उसे खोजने के लिए 96 घंटे की समय सीमा समाप्त होने वाली है और इसी के साथ ही इसमें मौजूद ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म हो रहा है। पनडुब्बी टाइटन में 5 लोग सवार हैं और साइंटिस्ट के मुताबिक पनडुब्बी में सवार लोग ऑक्सीजन को बचाने का उपाय कर पाए होंगे तो उनकी समय सीमा बढ़ सकती है। हालांकि अभी ये कहा नहीं जा सकता कि पनडुब्बी में मौजूद लोग जीवित हैं या फिर नहीं। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने गुरुवार को बताया कि एक कनाडा के जहाज द्वारा भेजा गया एक रोबोट समुद्र के तल पर पहुंच गया है और उसने पनडुब्बी की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि 18 जून से लापता टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि 22 जून को पनडुब्बी का मलबा टाइटन के पास पहुंचा था, जिसे कनाडा के रिमोट से ऑपरेट होने वाले UAV ने बरामद किया। लेकिन अब पनडुब्बी की खोज में जुटे सभी लोगों का कहना है कि पनडुब्बी समुद्र में भयंकर विस्फोट का शिकार हो गई है। वहीं कई रिपोर्ट्स ने इस हादसे की वजह केटार टोरफिक इम्प्लोजन को बताया है और पनडुब्बी गहरे समुद्र में थी जहां पानी का दबाव ज्यादा था। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि सूरज की गर्मी ने सतह के आसपास की हवा को तुरंत गर्म कर दिया होगा और पनडुब्बी की धातु की दीवार सिर्फ 30 मिली सेकेंड में टूट गई होगी और इस तरह पनडुब्बी में मौजूद 5 अरबपतियों की मौत हो गई होगी। हालांकि इस पे कोई ऑफिशियल नोटिस तो अभी तक नहीं आया है। वेल, देखते हैं क्या होता है। वैसे आपके हिसाब से पनडुब्बी में मौजूद लोग जिंदा हैं या फिर पानी में अपनी जान गंवा चुके हैं? कमेंट सेक्शन में जानकारी जरूर दीजिएगा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।